बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुरीर कोतवाली में शिकायत दर्ज होने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष कोतवाली पहुंची, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। ये जिला मंत्री हैं, ये जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ये मेरे मंडल के अध्यक्ष कहाँ चले गए? दिनेश चंदा चल रही है। आप भी हैं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? कहते हैं कि जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो नियम कायदों की बातें बेमायने लगती हैं, और लगेंगी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार हमारी, हम जैसे कहें जो करें वो सब कुछ सही है। सत्ता की मद में चूर नेताओं की वानगी की एक तस्वीर दिखाई दी सुरीर कोतवाली में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानून को ताक पर रखकर जमघट लगाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रही हैं भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा। दरअसल मामला एक भाजपा कार्यकर्ता की पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की भाभी ने उस पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दे दी। जांच करने थाने के एक SI मौके पर गए। अब सत्तारूढ़ी पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस का उसके घर आना गवारा न हुआ। इसी बात को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुरीर कोतवाली आदम की, यहां भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सरेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई। एक तरफ कोरोना का संकट चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर कोतवाली सुरीर पहुंच जाती हैं, ये जानते हुए कि भीड़ एकत्रित करना कानून का उल्लंघन है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं, नेताओं के लिए नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। बात यहीं नहीं रुकती, सिर्फ जांच करने मात्र से भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस कर्मियों को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष पुलिस कर्मियों को ये तक बता रहे हैं कि उनके साथ कितने लोग हैं। यहां पूरी कोतवाली में सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मी कम हैं और कार्यकर्ता ज्यादा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ता का पक्ष रखते हुए भाभी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। बता दें कि कार्यकर्ता की हिमायत में आए इस भीड़ में अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था, जबकि मथुरा में संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 180 तक पहुंच चुका है। ऐसे में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में जाना और फिर पुलिस कर्मियों को उनका कार्य बताना, ये कितना सही है आप ही बताएं। जिला उपाध्यक्ष हूँ, ये मेरे मंडल के अध्यक्ष कहाँ चले गए? लगता है कि इन नेता और कार्यकर्ताओं को अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों से कोई सरोकार नहीं है। अब बीजेपी कार्यकर्ता की भाभी द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा नेताओं की कार्यशैली पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सर बताएं क्या मामला था? ये पीड़िता महिला है नेहा, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके ससुराल जन उनको परेशान करते हैं और घर से निकाल दिया है। इसी की जांच जो है सब इंस्पेक्टर मनोज शर्मा द्वारा मौके पर की गई थी। तो जो एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने उनके घर वालों के सबके नाम दिए हैं, वो जांच का विषय है कि उसमें कौन सही है कौन गलत है। जिसमें एक जो है विजय नाम है, उसी को लेके कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो नाम को गलत बता रहे थे कि ये नाम गलत है, जिसको समझा दिया गया कि ये विवेचना में अगर जांच में सही होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं।
भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों लोग यहाँ थाने पर आए थे, उनके द्वारा क्या वार्ता हुई है, क्या कहा? यही बात आपको बताई मैंने कि जो चीज़ प्रार्थना पत्र जो मुकदमे में विवेचना में सही होगा वो कार्रवाई होगी।